चेहरा माँ का चेहरा, लेडीज का नहीं, माँ का चेहरा। नहीं नहीं, मैं बता दूँ, इस रस्म के मुताबिक भी माँ है, माँ का चेहरा भी ओपनली नहीं दिखाया जा सकता है। हकीकतन ये है कि वो सबकी माँ थी और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहब की निशानी थी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आप भी अपने इलाके में रहते हैं, मैं भी अपने इलाके में रहता हूँ, तो वहाँ जो भी माँ हो वो भी सबको, यानी लेडीज़ को तो दिखाया जा सकता है फेस, लेकिन जेंट्स को रिश्तेदारों के अलावा नहीं दिखाया जा सकता, ये रस्म है। और उस वजह से यकीनन लोगों की भी एक अपनी राय है, लेकिन उस पे ये जब हमने डिस्कशन की जो उलमा थे तो हमें ये बताया गया। और जहाँ तक भुट्टो फैमिली की निशानी थी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बेगम भुट्टो साहब का साहबा का रोल रहा है, MRT की तहरीक में हो या अयूब खान के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी उस 68 में हो, या उसके अलावा गद्दाफी स्टेडियम में जो हमले और लाठीचार्ज की गई थी, बर्दाश्त की सहूबतें उन्होंने बर्दाश्त की, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज क्योंकि यकीनन उनका बेगम साहब का दामाद आसिफ अली दरदारी साहब था, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो रस्म अदा की गई तो सारी पेश थे दोनों। तो उस इलाके में उसके अलावा यकीनन ये परसों हमारी CEC की मीटिंग कॉल की गई है, और जाहिर है जब CEC की मीटिंग कॉल की जाती है तो यकीनन कुछ डिस्कशन होती है, कुछ फैसले किए जाते हैं। मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि वो देखिए कि हमने अभी दरवाज़ा खोला, मगर वो जो वक्त होता है जब पट्टी दी जाती है, देखिए कोई गरमा होता है अपने महबूब रहनुमा। मैं आप बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए जगह कितनी थी और सारे लोग अगर मुकदमा की शहादत के वक्त इससे भी ज्यादा लोग थे, वहाँ भी चेहरा नहीं दिखाया, मगर खबर वहाँ भी चेहरा, वो भी बहन थी, वो भी बहन थी, चेहरा नहीं दिखाया गया था। ये कुछ सर आज सिक्योरिटी के हवाले से आप मुतमिन हैं कि सिक्योरिटी अच्छी रही? देखिए हमने तकरीबन 5,000 अहलकार यहाँ डिप्यूट किए थे और 500 के करीब हमने ये जो ट्रैफिक के SOs और ट्रैफिक का स्टाफ था वो इधर डिप्यूट किए थे, और तकरीबन 100 की लेडीज़ कांस्टेबली वो डिप्यूट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से, आपने देखा कि कुछ नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज भी नहीं देखने में आई, और ठीक ठाक खैरियत से सारा मामला हल हो गया। देखिए अभी छोड़ा गया कारकुनान, सदर साहब को क्या खतरा है कारकुनान? नहीं कोई खतरा नहीं है। देखिए जब एक तो मैंने जब एक सवाल आपने किया उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा कभी वो नहीं दिखाया गया था, तो वो एक ये बात है। लेकिन हालात ऐसे हैं, यहाँ खदशात होते हैं, आप खुद देख रहे हो कि दहशतगर्दी किस नहस पे पहुंची है, उस हालात में जरूर ऐसे ही डिसीजन करने पड़ते हैं। आप मुतमईन कर सकेंगे? मैं करूंगा, मैं कारकुन हूं और बिल्कुल मुतमईन करूंगा, इंशाल्लाह कारकुनों के पास जाऊंगा और कारकुनों के साथ कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट साहब भी मिलेगा, बिलावल साहब भी मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर।